अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं जानती हूँ दीदी, और आपको पता है मेरे पापा जी कहते कि दुनिया वाले चाहे कोई भी कायदे बनाए, क्या सही है और क्या गलत, ये हमें हमारी अंदर की आवाज बता ही देती। मेरी दिल की आवाज ये कहती है कि अफसोस दिल में होना चाहिए, दिखावे में नहीं। अगर मैं येलो या पिंक कलर का सूट पहन भी लूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुलदीप के जाने का अफसोस नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैंने जिंदगी जीना छोड़ा नहीं, और जिंदगी रब का दिया हुआ सबसे कीमती तोहफा है ना। तो फिर इतना सोचना क्या हीर, जो मन कर रहा है पहन लो ना। मम्मी जी को नाराज नहीं करना चाहती, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। सही कहा। बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और अगर तुझे इतना ही शौक है ना रंगीन कपड़े पहनने का, तो मान ले अपने माँ बाप की बात, कर ले दूजा व्याह, नवे कर जाके जितने रंगीन कपड़े पहनने होंगे ना पहन लेना। लेकिन इस घर में तू मेरे कुलदीप की बेवा है, और तुझे जिंदगी पर सफेद कपड़े ही पहनने होंगे। मम्मी जी, आप प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, बस मेरे दिल में एक सवाल है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। सफेद कपड़े पहनने का रिवाज सिर्फ पत्नी के लिए क्यों होता है? कुलदीप के साथ रिश्ता तो आप सभी का था, कुलदीप के जाने का दुख तो आप सभी को हो रहा है, आपको है, तेजी दीदी को है, जनेल जी को है। मैं तो सिर्फ 2 दिन के लिए कुलदीप की पत्नी थी, और वो 2 दिन भी पूरे नहीं हुए थे। आप सबका रिश्ता कुलदीप के साथ उम्र भर का था, फिर ये सफेद कपड़े पहनने का नियम सिर्फ मेरे लिए ही क्यों? ये रिवाज मेरे बनाए हुए नहीं है कुड़िये, बड़े बुजुर्गों ने बनाए हैं। और क्योंकि तूने कानून की 4 किताबें पढ़ ली हैं, तो क्या लगता है तुझे सदियों से चल रहे रीति रिवाज के ऊपर हो गई तू? पहनने हैं ना रंगीन कपड़े, तो जा, चल ही जाना हमारा घर छोड़ के, बाहर जाके पहनना जितने रंगीन कपड़े पहनने, कोई नहीं रुकेगा तुझे। मम्मी जी, आपसे बात नहीं दीदी, अगर इस घर में रहने की यही शर्त है, अगर मुझे सफेद लिबास में देखकर मम्मी जी के दिल को शांति मिलती है, तो मुझे मंजूर है। लेकिन मैं ये सफेद कपड़े अपने दिल से नहीं पहन रही, मम्मी जी का दिल रखने के लिए कर रही। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।